आज मैं आपको बिहारी स्टाइल फिश करी बना बताऊँगी। इसके लिए हमने जो सामग्री ली वो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो फिश ले लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल दूँगी। अब मैं इसे हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप इसे आराम से मिक्स करिएगा क्योंकि कांटे हाथ में लग सकते हैं। मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें तेल डाल दूँगी। मैंने अपने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। हमने जो अपनी फिश को मैरिनेट किया था उसे हम अपने तेल में डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमारी फिश एक तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। हमारी फिश अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और हमने अपनी फिश को जिस तरीके से पहले फ्राई किया था उसी तरीके से हम अपने तेल में डाल करके अपने फिश को फ्राई कर लेंगे। मैंने अब एक मिक्सर जार ले लिया है। अब मैं इसमें 3 चम्मच सरसों लिया था उसे अच्छी तरीके से धुल लिया है। इसमें हम डाल देंगे उसे। मैंने यहाँ पे 1 गांठ लहसुन को छिल करके लिया था उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दूँगी। अब मैं इसमें 5-6 काली मिर्च डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच खड़ा धनिया डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना के तैयार कर लूंगी। मैंने इस तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पे 1 आलू को पतले पतले स्लाइसेस में कट करके ले लिया था उसे हमने अपने जो फिश फ्राई किया था उसमें डाल दिया है। अब अपने आलू को हम क्रिस्पी फ्राई करके निकाल लेंगे तेल में से। मेरे आलू अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं अपने तेल में 1/2 चम्मच सरसों का तड़का लगा लूँगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच मेथी का तड़का लगा लूँगी। हमारा सरसों और मेथी तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 प्याज को कट किया हुआ था बारीक बारीक उसे हम डाल देंगे। अब हम अपने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमने जो अपने सरसों वाले मसाले का पेस्ट बना के तैयार किया था उसे भी हम इसमें डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे।
अब मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। इससे हमारे मसाले में बहुत अच्छा कलर आएगा। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। अब इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। आप लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से रखिएगा, आपको जितना तीखा पसंद हो। अब हम इन सभी सामग्रियों को अच्छे तरीके से मिक्स करके पकने देंगे। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी। अब मैं इसमें 1 टमाटर कट करके डाल दूँगी। मैंने अपने मसालों में टमाटर को भी कट करके डाल दिया है। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके थे, मसाला भी अच्छे तरीके से पक चुका था। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके पकने देंगे हम। अब मैं इसमें अपनी फ्राई किए हुए आलू को डाल दूंगी। मैंने अपने ग्रेवी में अपने फ्राई किए हुए आलू को डाल दिया है। अब हम अपने फ्राई किए हुए फिश को भी इसमें डाल देंगे। हमारी बिहारी स्टाइल फिश करी बनके तैयार हो गई है। मैंने धनिया का पत्ता कट करके रखा हुआ था, हम इसे इसमें डाल देंगे। हमारी बिहारी स्टाइल फिश करी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।